हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो, अगर आप नया पासपोर्ट ऑनलाइन कराने जा रहे हैं, यानी कि नया पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, अगर आप भी विदेश आना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी भाई लोग नए हैं और फ्रेशर हैं, अगर वो लोग विदेश आना चाहते हैं तो रुक जाइए पहले। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फ्रेंड, अगर आप अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, आज हमारे साथ में है अवधेश भैया, और अभी हम लोग दोनों आदमी मिलकर और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जो गलती हम लोग से हो गया है ना, मतलब हम लोग जो नया पासपोर्ट बनवाए, जो गलती हम लोग से हो गया है डॉक्यूमेंटेशन से लेकर और अपना जो जन्मतिथि से लेकर, वो गलती आप लोग से ना हो जाए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप मेरा नाम सब जानते ही हैं, मैं काफ़ी वीडियो में भैया के साथ आया हूँ। अभी ये जो टॉपिक है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हम लोग वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि ये वीडियो देख के आप सब भी वो कुछ सीखें और वो जो गलती हमने किया है वो आप गलती ना करें, ना दोहराए वो गलती, समझ लीजिए। तो बात ये है कि देखिए, यहाँ पे हम लोग आने के चक्कर में क्या हो रहा है कि पढ़ाई जो है प्लस टू होने के बाद, प्लस टू 16 साल में हो जा रहा है, उसके बाद से पासपोर्ट बनाने के चक्कर में आदमी जा रहा है पासपोर्ट बनवाने के लिए, और वो क्या हो रहा है, वहाँ पासपोर्ट बन नहीं पा रहा है। खास करके क्या है कि वो काम करने के लिए, वो लोग वहाँ पे, उन लोगों को पता है कि काम करने के लिए आदमी जा रहा है तो 21 साल मतलब होना चाहिए। हाँ, जो एज का मतलब क्रिटेरिया है, हाँ, वो 21 ईयर्स यानी कि 21 साल हुआ है, हाँ, ठीक है ना, 21 साल रखा गया है यानी कि गल्फ में आने के लिए 21 साल, ठीक है ना चाहिए। तो जो नए भाई लोग हैं, नए विद्यार्थी लोग हैं, वो लोग का जन्मतिथि 18 साल भी रहता है, 19 साल भी रहता है, तो वो लोग जल्दबाजी कर दे रहे हैं। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर मतलब कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, वो सीधे पासपोर्ट बना रहे हैं, जन्मतिथि बढ़ाकर पासपोर्ट बनवा दे रहे हैं, मतलब, लेकिन इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो लोग को नहीं मालूम है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, हम लोग देखा है, हम लोग के साथ में ऑलरेडी हो चुका है, समझ लीजिए, हम लोग ही नहीं, हमको लग रहा है कि हर साल लाखों लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। जन्मतिथि बढ़ाकर यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद फिर आगे उन लोग कितना प्रॉब्लम होता है। मेन प्रॉब्लम ये है, अभी मतलब अगर फेस देखा जाए, शरीर देखा जाए, तो ये नहीं पता चलेगा कि आदमी 35 साल का है। लेकिन पेपर तो पहले जाएगा ना, डॉक्यूमेंट तो आपका पहले जाएगा, पेपर तो पहले जाएगा। किसी कहीं के लिए सबमिट करना है किसी ऑफिस में, तो पेपर पहले जाएगा, तो पेपर में एज ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम है। इसीलिए आज का ना सोच के फ्यूचर का सोचिए आप, और फ्यूचर का सोचेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। और कोशिश ये करिए कि जो भी रियल डॉक्यूमेंट्स है, हाँ, रियल डॉक्यूमेंट्स, सब जो आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड पे जन्मतिथि है, एड्रेस है, और पैन कार्ड पे एड्रेस है, जन्मतिथि है, वही चीज़ आपका प्लस टू हाई स्कूल पे, मैंने मार्कशीट पे जन्मतिथि है, सेम जन्मतिथि जो है वही जन्मतिथि पे ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाइए, है ना, यही कहने का मतलब है। क्योंकि आपसे बता दूं कि हम लोग जो भी टॉपिक लेकर आते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बहुत समझ लीजिए कि ज़बरदस्त रहता है, समझ लीजिए कुछ सोच कर हम लोग बताते हैं। ये जैसे हम लोगों के साथ ये जो ये सब हुआ है, घटना घटा है, ये अपना मतलब अपना हम लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं, समझ लीजिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि अभी आदमी 30 साल का है और 5 साल एज बढ़ाया, 35 हो गया है, और ज़्यादा करके ऑफिस में ये हो रहा है, कुछ कंपनियां 30-35 है एज मांग रही हैं, कुछ 40 मांग रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, जल्दी जो भी है वो एज मतलब आप कम ही यहाँ पे टाइम बिता रहे हैं और एज आपका ज़्यादा बढ़ जा रहा है। देखिए, जब से कोरोना चढ़ा है ना, जब से कोरोना चढ़ा है, कोरोना जब से आया है, आपसे बता दूं कि ज़्यादा आदमी लोग के शरीर में आंतरिक कुछ प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, तो आपसे बता दूं कि एज जो ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में ये बीमारियाँ आ जाती है। तो इसके वजह से डॉक्टर और जो वर्ल्ड का जो डॉक्टर है, जो भी कंट्री के हैं जो डॉक्टर है, वो लोग क्या किया कि एज एक लिमिट कर दिया है ना, सही बात है ना, पहले यही
बड़ी कंपनी सब लोग 50-60 साल तक केला उठा, लेकिन अभी तक ज़्यादा कंपनी 40 तक कर दी है ना, अभी तक 40 तक कर दी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो भी 40 कर दी है। देखिए ये कह रहा हूँ, मतलब अगर ऐसे बात अगर किया जाए शॉर्ट कट में, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अगर पासपोर्ट बनाने जाएँ तो थोड़ा इंतज़ार करें, अगर ये जॉब का नहीं हुआ है तो थोड़ा इंतज़ार करें, ये जॉब का हो जाए तभी पासपोर्ट बनवाएं, नहीं तो आप क्या है जल्दबाजी के चक्कर में अब जल्दी जल्दी पासपोर्ट एज बढ़ा के आप पासपोर्ट बनवा लेंगे, उसके बाद से क्या होगा यहाँ पे आने के पास आपके टाइम आपके पास इतना टाइम एज निकल जाएगा तुरंत, एज उसमें पासपोर्ट में आपका ऐसे ओरिजिनल आपका एज रहेगा जैसे हम लोग का ओरिजिनल एज है। अब सोचिए हम भी एक गलती किए थे, वो ये भी वो गलती किए थे, बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं समझ लीजिए, लेकिन एज है 30 और ऐसे डॉक्यूमेंट में हो गया 35 पाँच साल हमारा गया ही पाँच साल, सोच लीजिए पाँच साल गया ना, अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल अगर जो डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट में वो डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट में भी रहता, पाँच साल और हम लोग कमाते कि नहीं कमाते, तो ये चीज़ हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग बहुत सोच के और ये टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज मत बढ़वाइएगा ना आधार कार्ड पे एज बढ़वाइएगा। एक चीज़ और चीज़ है, पहले का नियम कानून कुछ और था समझ लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना बहुत गलत चीज़ है कि नहीं, और कहीं के यहाँ पे भी अभी इस टाइम में कितना चेकिंग हो रहा है, बहुत चेकिंग हो रहा है, ठीक है ना, अभी समझ लीजिए बहुत प्रॉब्लम है। अभी देखा हूँ मैं कुछ कंपनियाँ में, अभी आप 35 के हो रहे हो तो 30-35 के नीचे हैं, हाँ तो आपका बस ब्लड ले रहा है, लो एक्सरे ले रहा है, बीपी चेक कर रहा है, 35 हो गया तो ईसीजी भी करवा रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है आप बोले हैं ना जो कि एज ज़्यादा होने पे तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो मतलब एक शक के दायरे में हमको भी रखा जा रहा है कि आप उतना एज हो गया है तो आप लोग को भी ये बीमारी होगी, इसलिए मान लीजिए सिलेक्शन में हम लोग को भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आदमी यंग है हम लोग का एज कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि सर्टिफिकेट में हम लोग का एज ज्यादा हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बाद में जाएंगे, हमारा पेपर पहले चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, आप लोग बाद में जाएंगे एयरपोर्ट पे, बाद में आएंगे कंट्री में, बाद में जाएंगे कंपनी में, बाद में जाएंगे, लेकिन पेपर पहले आ जाएगा। वीजा जो भी है हम लोग को वीजा पाने के लिए जो हम लोग डॉक्यूमेंट देते हैं, तो डॉक्यूमेंट जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करता है, लोग कम एज के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिसका कम एज है उसको पहले उठाता है, कम एज के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कि उस मतलब कंपनी का एक फंडा है माइंड में ये रहता है कि कम एज का है तो थोड़ा ज़्यादा स्टेमिना होगा, ज़्यादा मतलब काम करेगा फुर्ती रहेगी शरीर में। और एक चीज़ और थोड़ा रुक रहे हैं भैया को, एक सबसे बड़ा पॉइंट एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि ज़्यादा लोग का कमेंट आता है ना कि हमारे साथ वाला आदमी का वीजा आ गया और हमारा फ्लाइट कब होगा, हमारा वीजा अभी तक नहीं आया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो ये भी एक उसमें से रीजन होता है, वो उसका एज कम होगा, ये ध्यान में रखिएगा, आपका एज ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा समझ 30% ये रीजन है समझ लीजिए, ठीक है ना। यंग कोशिश करिए आप लोग कि जो भी है अपना पासपोर्ट जब भी बनवाने जाएं तो एज आप मत बढ़वाएं, एज मत बढ़वाइएगा, भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा, एज मत बढ़वाइएगा। इंटर पास होने के बाद आपका 16 साल 17 साल जो भी 18 साल है 2-3 साल आप वेट कीजिए सबर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से मतलब बाहर तो कमाना ही है, 21 साल उमर हो गया अब पासपोर्ट तो बन ही जाएगा जब से बाहर आ जाए, 17 साल 18 साल का भी पासपोर्ट बन जा रहा है, हाँ पासपोर्ट बन जा रहा है, लेकिन आप एज ना बढ़ाइए एज बढ़वाएंगे तो आपको जैसे हम लोगों को आज पर प्रॉब्लम हो रहा है आपको भी प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, और हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था हम लोग का, आज का वीडियो का मेन यही मकसद था, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा चीज़ ऐसा जानकारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाए कि जिससे आप लोग को कुछ फ़ायदा हो समझ लीजिए, अभी के टाइम में भी और आगे के टाइम में भी, क्योंकि देखिए हम लोग लेबर ग्रेड के आदमी हैं, ठीक है, लेबर ग्रेड के आदमी हैं, ज़्यादा करके हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में क्या प्रॉब्लम होता है यही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, हाँ तो हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह मतलब महसूस किया है क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और एक चीज़ और है कि जब एजेंट है ना, तो एजेंट क्या करता है कि सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाने के बाद वो बोलता है कि आदमी बोलता है कि देखिए ना हमारा इतना एज है, तो बोलता है कोई बात नहीं एज बढ़ा कर और क्या नाम है कि अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िएगा, भुगतना तो हम लोगों को पड़ेगा ना, भुगतना तो हम लोगों को पड़ता है, एजेंट क्या है वो तो पैसे के चक्कर में, वो तो मालूम है कि 1 लाख मिल जाएगा, 80,000 मिल जाएगा, वो एज बढ़वा कर पासपोर्ट बनवा देगा,
बनवा लेंगे, फिर आगे यहाँ आने के बाद आगे दिक्कत होगा। तो देखिए भाई साहब, आप जब भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के आप लोग ऐसा अगर मतलब आप आपका जिसका भी आप लोगों का अगर पासपोर्ट बन गया है, तो आप अगर जिसका नहीं बना है आप उसको ये बात बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ। कि जो नए आदमी है, नए बंदे हैं, फ्रेशर लोग हैं, उन तक ये वीडियो जाए। हाँ। और उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो मैंने आगे के लिए बहुत सही रहेगा, समझ लीजिए, नहीं तो बाद में तो पछताना पड़ेगा ही, जैसे हम लोग पछता रहे। अभी 35 एज हो गया, अभी बहुत कमाएंगे तो 5 साल और कमाएंगे। और एक चीज़ है कि जब भी आए एजेंट के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, जो अच्छी अच्छी ऑफिस में है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट अभी चल रहा है ना, उसमें जाकर अपना सिलेक्शन करवाइए, समझ लीजिए। एजेंट के चक्कर में रहेंगे तो 1 लाख रुपया ले लेगा, 80,000 रुपया लेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भाई आते हैं गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, समझ लीजिए, पुअर पीपुल ही है ना। देखिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो भी है अभी पूरा सेम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे PCC मांग रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपका पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आप पासपोर्ट बनवा लिए 8 पास पे दूसरा मार्कशीट बनवा के, हाँ बाद में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट मांग रहा है, हाँ तो उसमें क्या आपको हम बेनिफिट होता है, हाँ बहुत फ़ायदा होता फायदा है, पासपोर्ट तो आप कैसे किसी तरह बना लेंगे, लेकिन क्या है जब क्वालिफिकेशन का कुछ ऐसे जगह होता है, आपके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन आप दिखा नहीं सकते, ट्रेड में तरक्की भी होता है, आगे भी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप एज बढ़ा के आप मतलब दूसरा सर्टिफिकेट यूज करके पासपोर्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाएंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि सेम डॉक्यूमेंट हो आपका, सेम डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए PCC में क्या हो रहा है, आधार कार्ड लग रहा है। आधार कार्ड लगेगा तो आपका आधार कार्ड में कुछ और है, अब पहले पासपोर्ट बना है उसमें, हाँ तो यही है। आप जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए आप लोग, शेयर कीजिए प्लीज, ज़्यादा नए लोग हैं उनको हेल्प हो जाए, ठीक है। और तो हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद यही था फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद उदेश भैया, और आप लोग का बहुत प्यार और दुलार है कि हम लोग का जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में हम लोग जो भी वीडियो शेयर करते हैं तो आप लोग का बहुत दुलार मिलता है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा देखिए कोशिश करेंगे कि ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहें, वीडियो बनाते रहें, लेकिन आप लोग भी थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड नाइट, गुड बाय।